हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो होली आ रही है और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी किचन की सफाई भी कर लूँ। पहले के ज़माने में तो पूरा घर ही साफ किया जाता था, जैसे दिवाली में साफ होता था वैसे ही होली में भी साफ किया जाता था। तो आजकल तो जमाना नहीं रहा और मैं अभी कर रही हूँ किचन में गैस की चूल्हे की सफाई कर रही हूँ, और इसकी सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई थी। तो जो वीडियो नमकीन वाली मतलब वीडियो है वो उसके साथ ही मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो नमकीन मैदे की जो मैंने बनाई है वो पहले आ जाएगी वीडियो आपके, और ये वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर मैं गैस की सफाई चूल्हे की कर रही हूँ। चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो मैंने सोचा कि इसकी सफाई कर देती हूँ, उसके बाद ही कोई काम शुरू करूँगी। तो नमकीन मैं जब बनाऊँगी जब मेरा ये गैस साफ़ हो जाएगा चूल्हा। तो देखिए इसको मैंने कैसे साफ किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 9 बजे का टाइम है और बाकी का सारा काम मेरा हो गया है। मेड आने वाली है सफाई करने। इससे मैंने पहले सोचा मैंने कि मैं अपना गैस चूल्हे की सफाई कर लेती हूँ। तो सुबह जो मतलब टिफिन विफिन बनाती हूँ वो काम सारा हो गया है। चाय का काम भी एक बार हो गया है, दोबारा एक चाय बनाऊंगी बाद में। पहले मैं गैस साफ कर रही हूँ। तो चूल्हे को आज मैंने सोचा बिल्कुल साफ कर दूँ। बहुत दिन से गंदा हो रहा था और इसको करने में थोड़ा सा मैं आलस कर रही थी। तो किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। शुरू कर देते हैं हम कोई काम तो उसका अंत तो होता ही है। तो बस मैंने आज इसको शुरू कर दिया है और आज इसकी मैं अच्छी तरह सफाई कर रही हूँ। तो इसको मैं मतलब मीठा सोडा होता है ना, जो बेकिंग सोडा, उससे साफ करती हूँ। थोड़ा सा अपना डिशवॉशर मिला लें या नींबू के छिलके मिला लें या नींबू का रस मिला लें या विनेगर हो तो विनेगर मिला लें, उससे एकदम साफ हो जाता है। इनके सभी पार्ट्स मैंने भिगो दिए थे गर्म पानी करके, तो ये पार्ट्स भी फटाफट साफ होने लगे। कुछ मैंने आपको दिखाया अभी साफ करके और कुछ और करूंगी, गंदे हो रहे हैं। तो अपना ये जो चूल्हा है उसको फिर जब आप गीले कपड़े से साफ कर लें तो फिर सूखे कपड़े साफ करके और न्यूज़पेपर से जरूर पोंछें। न्यूज़पेपर से पोंछने से क्या होता है कि बिल्कुल साफ हो जाता है और ये नए की तरह चमकने लगता है। तो चकाचक करके ही छोड़ूंगी आज इसको मैं, क्योंकि बस आज मेरा मूड बन गया है इसको करने का। तो कभी कोई मूड बन जाता है किसी काम का मेरा तो मैं उसको शुरू कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं रेस्ट करती हूँ। ज्यादातर रेस्ट ही करती रहती हूँ, लेकिन जब मेरा मूड बनता है तो फिर मैं उस काम को नहीं छोड़ती हूँ, बस करके ही पूरा करके ही छोड़ती हूँ। तो जब भी मूड बने किसी काम का तो काम में लग जाइए, आपके काम का अंत जरूर होगा। और एक साथ आपसे सफाई नहीं होती है किसी भी चीज की, चाहे किचन है चाहे कोई रूम है, तो उसका एक एक कोना साफ कर लें। जैसे कभी एक कोना ले लें कभी एक कोना ले लें तो आपकी सफाई भी हो जाएगी और एकदम ज्यादा आप थकेंगे भी नहीं। तो आज बस मैं गैस की सफाई कर रही हूँ। तो देखिए मेरा गैस कितना साफ हो गया और चमचमा रहा है, बिल्कुल चकाचक साफ कर दिया इसको मैंने। और इसमें ऊपर का सीन भी दिख रहा है खिड़की से। तो ऐसे काम मुझे अच्छे लगते हैं बिल्कुल साफ सफाई के। और इसी तरह मैं बास्केट भी धोऊंगी, जो बर्तन की बास्केट होती हैं वो भी गंदी हो जाती हैं जब हम बर्तन धो के इसमें रखते हैं।
तो इसकी जो बर्तनों की थोड़ी बहुत गंदा सा पानी तो होता ही, हम कितने भी साफ बर्तन धो लें लेकिन उसमें थोड़ा बहुत होता ही है, तो ये बास्केट में जम जाता है। तो इन बास्केट को भी मैं धोती रहती हूँ टाइम टाइम से, तो इनको मैंने धोई है। और होली है तो कुछ सफाई बनती ही है किचन की भी, तो थोड़ी बहुत पहले मैंने की थी, आपको इसकी वीडियो दी थी, और थोड़ी सफाई मैं आज कर रही हूँ। तो ये बास्केट बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और इसके नीचे से भी सफाई कर दूँगी, और ये जो इधर का कोना है वो साफ़ हो जाएगा। तो एक एक कोना एक दिन में ले लेते हैं तो सफाई हो जाती है। पूरा अगर हम रसोई की सफाई करते हैं या कहीं भी किसी चीज़ की सफाई पूरी करते हैं तो फिर उसमें बहुत टाइम लगता है और थक भी बहुत जाते हैं। तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि एक एक कोना लेना चाहिए, चाहे रूम हो और चाहे किचन हो। तो मेरा गैस साफ़ हो गया है, बाकी की छबड़ी वगैरह सब मैंने बास्केट हैं तो इनको साफ़ किए हैं, अभी गंदी हो जाती हैं और लिबलिबापन आ जाता है इसमें, तो इनको भी साफ़ कर दिया है मैंने। और अब मैं बनाऊंगी दाल चावल, क्योंकि आज मुझे बनानी है, पपड़ी वगैरह बनानी है, मैदे की पपड़ी बनाऊंगी। तो फिर रोटी भी बेलूँ, वो भी बेलूँ तो इतना काम नहीं होता है, हाथ दुखने लगते हैं, तो दाल चावल बना लूँगी और फिर मैदे का जो नमकीन मैदे की होती है उसका आटा गूँथूँगी। तो बनी रहिए ब्लॉग में। गैस मैंने अभी साफ किया है और मैं चढ़ा रही हूँ दाल, तो दाल उठने नहीं, इसके लिए मैं इसमें घी डाल दूंगी, नहीं तो गैस फिर खराब हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है मतलब कुकर से बाहर आने लगता है कई बार दाल का पानी, तो दाल का पानी बाहर नहीं आए, इसके लिए मैं इसमें घी डाल दूंगी। मेरा गैस साफ पड़ा रहेगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम गैस साफ करते चूल्हा और उसी वक्त या तो चाय उफन जाएगी या फिर दाल उफन जाएगी, तो वो सारा गंदा हो जाता है। पहले स्टोव हुआ करते थे तो हम उसको जैसे ही साफ़ करते, मांस से मम्मी मांस थी या किसी से भी, फिर चाय वाय उफन जाती तो मम्मी कहती कि आज ही मैंने साफ़ किया और आज ही तुमने गंदा कर दिया। तो बस इसका ध्यान रखते हुए इसमें मैंने घी डाल दिया है और अब इसको बंद कर दूँगी, और इसका भी ध्यान रखूँगी कि इसमें चाय वाय नहीं धुले, चाय धुलते ही पोंछ देनी चाहिए, नहीं तो फिर हम उसी में बना लेते हैं तो फिर वो जल जाता है सारा। तो इससे क्या है कि चूल्हा फिर साफ नहीं होता है और पूरा गंदा हो जाता है जल के। तो जब भी चाय धुल जाए या दाल धुल जाए तो एक बार गैस बुझा के आप उसको साफ कर लें।